को लेके आपके सामने आया हूँ भाई। आज के दिन हम डीएसएल क्लासेस जीन डीएसएल एकेडमी के ऊपर हैं और बहुत बड़ा जमावड़ा लगा हुआ था कुछ देर पहले जब मुझे आने का मौका मिले। मुझे यहाँ देखिए नवीन जैन जिन में आए थे, नवीन जैन जिन्हें किसी एकेडमी या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं देखा जाता वो भी यहाँ थे। दीपक सर, जगदीप शर्मा जी, आपको पता है भाई, देखिए हरियाणा के सबसे मशहूर सबसे बड़े टीचर हमारे साथ हैं, सबसे बड़े अगर यूट्यूबर की बात करूँ तो वो हैं, और इन्हें कौन नहीं जानता भाई, हमारे हरियाणा के जीके सम्राट मंजीत जी, तीनों मेरे साथ हैं। तीनों मुझे भाई मिल गए, अब पकड़ लिया कि इनसे बात करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। तो नमस्कार साहब। नमस्कार जी। नमस्कार तो आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे हो रहा था जी? सर, अभी कुछ दिन पहले मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। आज हमारे दीपक लाठर जी हाथ मिला रहे थे नवीन जैन जी से, उनके साथ गाड़ी में बैठकर कुछ गुपचुप बातें हुई और फिर एकेडमी पे आए हैं। एकेडमी पे बैठ के इन्होंने 5 मिनट सेपरेट मीटिंग करी है, तो आज तो कुछ बड़ी है बात है भाई। मैं भी ये जानने क्या था आज क्या बात बता दो, मतलब बड़े आदमी आपस में बतला तो क्या बतला क्या बात करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, वो थोड़ा सा ये था कि अभी हम 4 तारीख को पंचकुला गए थे, 5 तारीख को अर्ली रिंग के लिए जो उनकी पुलिस वालों की जो वो थी, तो उस पर फिर से वो नेक्स्ट डेट जो है उस पर बात चली गई। तो मैं नवीन जी जी के साथ ये डिस्कस कर रहा था क्योंकि वो जो हैं एक मान के चलिए आप हमसे हर मामले में थोड़े से एक तरीके से एक्सपीरियंस पर्सन कह सकते हैं आप, तो उनसे ये डिस्कस कर रहा था कि भाई हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा करें, अपनी तरफ से हरियाणा पुलिस के बच्चों के लिए अलग से वकील अगर हम करें, यानी कि लीगल तौर पे हम क्या कर सकें। हाँ, हरियाणा पुलिस के बच्चों के लिए भाई अगर अलग से वकील करके जो खर्चा आएगा वो हम वहन कर लेंगे क्योंकि बच्चे तो ऑलरेडी भाई अपने सब पैसे कलेक्ट करके कर चुके हैं। लेकिन मैं पर्सनली कर रहा था कि भाई अगर अलग से वकील करके कुछ ऐसा लीगल तौर पे कुछ ऐसा निकल आए, तो उसके बारे में बात कर रहे थे, वो साथ में बैठ के ही बात करी थी, बस इतना था। और उसके बाद यहाँ पे आए थे तो नवीन जैन जी ने कहा कि भाई चलो बेरोजगार की बात, हाँ बेरोजगारों की जो बारात निकाल रहे हो 14 जनवरी को अभी मानसरोवर पार्क रोहतक में, तो उसका भी एक तरीके से सभी हरियाणा के जितने भी बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं उनको न्योता देने के लिए आए हुए थे जींद में, और सभी बच्चों को वहाँ पहुँचना भी है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी बच्चों से। दूसरा ये था कि उसके बाद मैंने कहा भाई ठीक है, मेरे जो सिलेक्शन बैच है मैं चलाता हूँ यहाँ पे लगभग 50-60 बच्चों, सिलेक्शन बैच है क्या ये बता दो थोड़ा। सिलेक्शन बैच में ये होता है सर, मैं कुछ बच्चों पे, क्योंकि सब बच्चों पे हम ध्यान नहीं दे सकते, अब 2500-3000 बच्चे एकेडमी में होते हैं, तो हर बच्चे पे थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई क्योंकि अब 3-4 घंटे में वो बातें नहीं हो पाती, तो सिलेक्शन बैच मैं चलाता हूँ लगभग 50-60 बच्चे ऑफलाइन में, 25-30 बॉयज, 25-30 गर्ल्स। सॉरी डिस्टर्ब कराऊंगा, ऑनलाइन का आपका कैसे चलाते हैं, यूट्यूब पे या कोई एप्लीकेशन है, कैसे करते हैं? एप्लीकेशन है डीएसएल क्लासेस जींद की, तो वो तो ऑनलाइन चलाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे Google हैं Play Store और iOS पे, हाँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन में इतने कंफर्टेबल नहीं होते, लगभग 60 बच्चों को एक साल में मैं पढ़ाता हूँ, तो अभी पढ़ा रहा हूँ, तो उनसे मुलाकात करने के लिए भी आए थे, उनको मोटिवेट करने के लिए नवीन जैन जी आए थे यहाँ सिलेक्शन बैच के बच्चों से मिलने के लिए, और उनको न्योता भी दिया है बेरोजगारों की बारात का, तो उस मुद्दे पर बात कर रहे थे मेन। अब थोड़ा सा यही है कि भाई हरियाणा पुलिस के बच्चों की जल्दी ज्वाइनिंग हो उसके लिए, क्योंकि अब 6 फरवरी दे दी है, ठीक है, तो और कुछ हम अपनी तरफ से कुछ कर पाएं उसके लिए बस डिस्कशन किया था, और ज्यादा कुछ नहीं। जगदीप सर, आप बताइए कैसा रहा आज का प्रोग्राम, क्या आपको क्या सोचने को मिला, क्या लगता है आपको क्या था सब? देखिए मास्टर जी तो बोल रहे हैं बड़े, आपकी जैसे आपने बोला बड़े बड़े लोग इकट्ठे हुए थे, आपको क्या लगता है क्या बात हुई होगी, क्या पता? देखो गाड़ी में जो डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर का है उसमें तो क्या बात करी होंगी, मैं तो खैर क्या बता सकता हूँ, लेकिन बात यही है कि भाई मेरी रात भी इनसे बात हुई थी कि जी अब क्या करें, फिर बात चली कि भाई नवीन जैन जी भी आओगे, फिर उनसे कुछ बात करेंगे भी बड़का खातर हरियाणा पुलिस वाला खातर के गर्स कहाँ, क्योंकि डे बाय डे उनकी डेट आगे टला दी जावे है, तो फिर वो बात इन्होंने बताई थी कि भाई नया वकील करा की के करा। और आज जो नवीन जैन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो शानदार थी, 14 जनवरी को जो बेरोजगारों की बारात है वो अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कहीं दाएं बाएं नहीं है, अपने टॉपिक पे हैं और खुले मन से हैं भाई अपन तो ये प्रोग्राम करना है, और इस प्रोग्राम की प्रमोशन क्या जो बेरोजगार है उसकी वह जरूरत है वो प्रोग्राम, तो मैंने तो बहुत अच्छा लगा उनका प्रोग्राम भाई, हाँ ऐसा होना चाहिए, कोई सरकार की ना समय धुमड़ियाँ देना अभी हो, क्योंकि एक तरफ से उनका भी विपक्ष जो है वो गूंगा हो रहा है, विपक्ष बोल ही नहीं रहा और बात भी सही लगा है, तो फिर अगर नवीन जैन जी स्ट्रॉन्गली अगर कोई एक्शन उठावे तो हमारा भी फर्ज है
कि हम उनको सपोर्ट करें, बेरोजगार हैं की बार है तो उनमें पर्सनल तो उनकी कोई वो टिकट तो मिलनी नहीं, तो अच्छा लगा उनका प्रोग्राम। ये क्या लिए बैठे आप इसके बारे में? ये मैं तो ये लेना आया था ये लेना क्या मैं तो मंजीत कुछ राज की चीज है क्या इसमें? राज की मैं बता दूं, कल मैं मंजीत सर की लाइव क्लास देखने गया था 8 से 9, तो मैं और देखता 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 इतना इंटरेस्ट पैदा होया, हालांकि मैं लाइव क्लासेस बहुत कम देखूं, वैसे मंजीत सर के सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी बात में तड़ा नहीं पड़ने देते, पढ़ाई से रिलेटेड बड़ा शानदार व्यक्तित्व है इनका। तो मैं जब कई बार हम जब चंडीगढ़ भी गए हाँ या कहीं इनके साथ रहा तो बड़ा मजा आवा, इनकी बातें सुनकर अच्छी नॉलेज है। तो कल मैं जब क्लास देखो था मैंने कमेंट बॉक्स में करा, माँ जी मेरा व्हाट्सएप नंबर यू है, पीडीएफ हो तो भेज दो मेरे द्वारा। फिर इनका सुबह फोन आया, भाई पीडीएफ को नहीं आके ले जा नोट्स। तो मैं आज स्पेशल नोट्स ही लेना आया था। ये बहुत महंगा सौदा होगा जी, क्या कुछ मैं तो सबसे पूछ लेते हैं जी, ये पूरे किस चीज के नोट्स हैं ये? ये हरियाणा जी के हैं सर, सारे नोट्स हैं ये? हाँ जी, कंप्लीट हरियाणा जी के। क्या 1000 रुपए लो जी, रुको रुको, ये क्या नंबर है नु बता दो पहले। 25 नंबर का सौदा है, 25 नंबर का सौदा, 100 नंबर का पेपर आना है, 100 नंबर का पेपर, 25 नंबर यहाँ पड़े हैं, 25 नंबर ही हैं। अच्छा, कितने रुपए लो जी फिर? 25 नंबर के सर, इनके नोट्स के 25 नंबर का सौदा खतर 299 रुपए लाख, 299 रुपया में 25 नंबर दे रहे हो जी? 200 के बचाओगे जी इनमें? इसमें बस दाग नहीं सर, ये सिर्फ फोटो स्टेट है, फोटो स्टेट लगी है ये। इनका कुछ फर्क भी पड़ेगा बच्चों को सर? पता नहीं लग रहा, 25 नंबर का पढ़ तो गया, गारंटी है कि 25 नंबर का एडमिशन लगेगा? गारंटी है 25 नंबर का, इस तब बार नहीं आऊंगा। और आपकी क्लास के बारे में बताइए, जैसे कि जगदीप सर ने कहा बड़ा इंटरेस्ट, क्या खास बात थी? 3-4 कमेंट करे लगा, मतलब आदमी दाएं बाएं देखने जी नहीं करता, जो इनके फब्तियां हैं, डीएसएल हो रही है, अरे ये बड़े मस्त मजाकिया इंसान है, लेकिन जो पढ़ावा है ना जिस तरीके से, वो मेरे ख्याल से भूल नहीं सकता। तभी तो जीके सम्राट बोला जाता है ना इनको, हरियाणा के जीके सम्राट हमारे मंजीत जी। हाँ, तो मैं इनसे नोट्स लेने आया, मैं तो हालांकि 2500-3000 रुपए लेकर आया था, मगर अगर ज्यादा कहूंगे तो फिर उधार कर लेंगे, पड़ोस का ही मामला है, 2500-3000 ले लाए एक तो मैं 300 में भी कटवाऊंगा कि मैं तो देखो अच्छे मोटी इकट्ठी है भाई, तो 300 रुपया में 299 300 कह ले, 300 में कोई फर्क तो पड़ता नहीं। अरे अब एक बार लास्ट डीएसएल आपका जो ये मुहिम चला रखी है आपने, बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं आपके साथ, कैसे अपने सिस्टम को ऑनलाइन भी चलाते हैं ऑफलाइन भी चलाते हैं, इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं आप? सर देखो ऐसा है, पूरी टीम काम करती है, लगभग 16 लोग हैं। अब कुछ अलग जो करना है तो उसके लिए हम जब ऑनलाइन में आए थे तो उस समय पे हमारे हरियाणा में लगभग सभी सब्जेक्ट्स को लेके यूट्यूब पे क्लासेज नहीं मिलती थी। हमने आके बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश की है कि भाई अपना जो बच्चा है, क्योंकि जो हरियाणा के बच्चे हैं ना उनको लोकल अपनी जो बोली हरियाणा उसी में अच्छे से वो कैच कर पाते हैं बात को, तो उसी दिशा में आगे बढ़े हैं हम। और ऑनलाइन भी हैं, कुछ बच्चों को अपने सिलेक्शन बैच में भी रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े से कमज़ोर हैं, वो ऑनलाइन में अगर उनको कोई डाउट आता है तो शायद वो हर बात को नहीं पूछ सकते, तो उन बच्चों के लिए 50-60 बच्चों के लिए मैंने अपनी जगह बना रखी है, तो उनको यहाँ पे करते हैं। उनको जो है मंजीत जी डायरेक्टर हैं, डीएसएल के मालिक हैं ये, हम तो इनकी गाइडेंस में काम करते हैं। और जो है मेन जो हेडेक है वो इनकी है, हमारा कार्य तो ये है कि मैं जैसे अपने जो प्लानिंग है वो ऑनलाइन की जो है वो सारी मैं संभालता हूँ, ऑफलाइन का या मेनली जो और इशू हैं जो एज अ डायरेक्टर जो इनकी जिम्मेदारी है वो ये संभालते हैं। जगदीप सर, यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड, क्या मैसेज देना, बहुत सारे युवा हमारे जुड़े हुए हैं क्योंकि डीएसएल एकेडमी पे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज देखो, सारे युवा पढ़े लिखे हैं और समझदार भी हैं भाई, मैं तो सिलेक्टेड सी कई बातें ही मैं प्रमोशन कर जाऊंगा यार। मैंने अगर पढ़ाई की बात करा तो मैं पूरे हरियाणा में घूमया हूँ, कोचिंग की बात करा तो डीएसएल बेस्ट है, बात करा बाड़ा की तो अड़ेक दवाई थी उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, वो बेस्ट है। हाँ, वो बेस्ट है, बेस्ट है। हाँ, सच में मारे मास्टर थे दवाई, मैंने उसकी दवाई। अच्छा भाई देखो, जो मैं चीज बनाऊ ना ओरिजिनल है वो। हाँ। तो आज यहाँ बैठा हूँ तो यह ओरिजिनल चीज है इसलिए मैं बैठा हूँ, नहीं तो बहुत सारे कोचिंग वाले आए हैं कि भाई मारी वीडियो बना दो, मैं उनका हिसाब किताब देख के बनाऊंगा नहीं भाई। मेरे बालक जीत पड़ा है ना, एक
कास कास है उस पर, मैंने उनकी वीडियो बनाई, उन्होंने कहा हमारी वीडियो बना दो, देला नहीं पढ़ाया भाई उन्होंने। तो सच्चाई है डीएसएल सबसे बेस्ट है। एक सुखोई एकेडमी है जो सैनिक स्कूल की तैयारी करा हुआ है फरीदाबाद में, सबसे बेस्ट है। एक गुड़गावा की वीडियो थी बाबा सिराले की, सबसे बेस्ट है। जो बेस्ट है उस पर मैं फोकस करूँ, आज कोचिंग सेंटर बैठे हैं डीएसएल पे, सबसे बेस्ट। अब मेरे फेवरेट DSL. मेरे फेवरेट मंजीत जी, कारण बताता हूँ, परसों मैंने लाइव क्लास देखी, सारा है फेवरेट, मैं भी लाइव देख रहा था इनकी, मैंने एकेडमी देखी है। जो स्टूडियो है उसकी एक कांच होता है ना, वो टूटा हुआ है, उसे ठंडी हवा आती है रात को। भाई बंदे ने बोला माँ की सू भाई, सीढ़ी बाढ़ ला गढ़ जाडा चढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ और तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे। जितनी आत्मा से ये बंदा पढ़ाता है ना, शायद कोई नहीं पढ़ाता है। इतनी मत कैसे आती है साहब आप में? सर ये तो बड़का का प्रेम है, बच्चों का प्रेम है, प्रेम का साथ में जुड़े रहे हैं तो ये अपना प्रेम। फ्री का आइडिया बता रहे थे आपका था, कितनी लंबी चलाओगे फ्री क्लास? क्योंकि देखिए आपको भी तो घर चलाना होता है, अकेडमी भी चलेगी, फ्री कैसे कराओगे? अरे देखो थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूं सबने भाई, एक संदीप माहेश्वरी है जिसने चैनल मोनेटाइज नहीं करा, एक हमारे दीपक सरजना ने चैनल मोनेटाइज नहीं करा। मोनेटाइज नहीं आपका चैनल? मोनेटाइज है सर, लेकिन मोनेटाइजेशन बंद करके। उसका कारण यो था कि अगर हम यूट्यूब पर पढ़ावा थे ना, तो बहुत सारे लोगों ने यो कहना था कि मेरे पिया है चक्राम पढ़ावा है कि बड़का है चक्राम पढ़ावा, तो फिर मैंने उसकी मोनेटाइजेशन बंद कर दी थी। मोनेटाइजेशन मेरी कोई भी वीडियो देखेंगे बीच में कोई ऐड नहीं आएगी, यानी कि अगर आप 2 घंटे, हमने 48 घंटे की क्लास चलाई, अब बीच में मैं उसमें 200 ऐड भी डाल सकता था, मुझे पैसे मिलते अच्छे खासे यूट्यूब की तरफ से, लेकिन एजुकेशन का हम यूट्यूब से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। और वैसे अगर कल को ऐसा हो जाएगा भाई, जैसे मेरे अगर अध्यापक जो हैं ये सारे घर के हो जाएंगे, तो फिर बैच के पैसे लेने बंद कर देंगे। देखो 75,000 सब्सक्राइबर्स पे इनके व्यूज जो उठे हैं उस पे कितनी भी कमाई कर सके हैं, कम से कम टीचर की तनख्वाह तो कटे इसका, इतनी तो कमाई। अपना चैनल मोनेटाइज नहीं करा, बंद कर रखी है, सबसे बड़ी बात है भाई। इनका ये कहना भाई, क्या पता कितनी कीमती कितनी लाखों करोड़ों की बात बता रहे हो और बीच में 2 कोड़ी कैट आ जाए, हाँ तो वो फ्लो टूट जाता है, फ्लो बच्चा का। अगर बार 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 ऐड तो फिर वो स्किप करते रहो, आदि ऐसी हो जो स्किप के लिए नहीं होती, अनोन स्किप तो ऐसा, फिर वो मेरे अंतरात्मा ने उसको मतलब अलाउ नहीं किया। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी, तीनों आपके सामने है, किसी से रिलेटेड भी कोई सवाल आपके मन में है कमेंट में छोड़िएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी मिलना होगा इनसे पूछा जाएगा। कैसा भी अच्छा कड़वा मीठा जैसा भी सवाल आता है, चाहे डीएसएल एकेडमी से रिलेटेड, स्टेप अप जेसर यूट्यूब चैनल, देखिए मेरा तो सौभाग्य मानता हूँ कितने बड़े यूट्यूबर के साथ बैठने का मौका मिला, और ये हमारे सबके फेवरेट टीचर भाई जीके सम्राट मंजीत जी, तो आप सबका धन्यवाद। तो भाई एक बात और कहूंगा, मेरे मास्टर जी ने बताया कि भाई मैं सबसे बड़ा यूट्यूबर हूँ, ना भाई मैं कोई सबसे बड़ा यूट्यूबर नहीं, मेरे साथ के तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, लेकिन ये फिर ऐसा माने तो इनका धन्यवाद। ये हम्बल हरियाणा के पहले स्टार्टिंग और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी स्टार्टिंग न करी। इवन सर सीईटी को लेके जब ये बातें चल रही थी सीईटी को, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी थी कि सर इसको सोशल मीडिया में थोड़ा सा बच्चों को सपोर्ट मिल जाएगा, तो कोई ज्यादा सा आगे निकल के आया नहीं, क्योंकि हर एक आदमी हर चीज के लिए, अब ना तो सीईटी से हमारा कोई फायदा है, बच्चों को लगता है, वैसे कुछ सोचने वाले बोल देते हैं तुम्हारे कोर्स बिकेंगे नहीं बिकते, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ठीक काम चल रहा है हमारा, और सीईटी अगर क्वालिफाई नहीं होगा तो हमारे ज्यादा कोर्स बिकेंगे, उनको ये अंदाजा नहीं है इस बात का, लेकिन क्वालिफाई होने से, क्योंकि ये 3 साल के लिए माना जाएगा, तो बच्चे को दोबारा कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारे तो कोर्स कम ही बिकेंगे अगर क्वालिफाई होता है। लेकिन सीईटी क्वालिफाई पे और हरियाणा पुलिस को लेके जितना काम फ्री, हमारे लिए फ्री, इनकी जेब से, अगर मैं आपको कहूँ कि गाड़ी करके चंडीगढ़ जाओ, गाड़ी करके चंडीगढ़ जाओ जीन से चंडीगढ़, तो मिनिमम आपको बताता हूँ 2,500-3,000 रुपए खर्च है, और ये मैं ज्यादा नहीं कहता, मेरे कहने पे जहां जहां हमने कहा तो ये 15 बार चंडीगढ़ जा चुके हैं, कोई पैसा इन्होंने बच्चों से नहीं लिया, हमसे नहीं लिया, अपने पास से लगाया है। हरियाणा पुलिस के बच्चे अभी हम गए थे, उन्होंने मतलब इतना तो वो मेरे हिसाब से किसी को भी इतना नहीं मानते जितना आज के समय पर जगदीप भाई को मानते हैं, जितनी इज्जत वो करते हैं, मैं आपकी बार गया था देखा, तो बोला सर, और ये क्योंकि हर व्यक्ति समझता भाई अगर फ्री में कोई इतना, क्योंकि आज के समय पे इनका भी तो एक, ये भी तो पैसे ले सकते थे, इनका भी तो आमदनी का जरिया यही और थोड़ी ना है,
ये बहुत बढ़िया बात है सर कि क्योंकि बच्चों के पास पैसे हैं इस काम के लिए, तो वेलफेयर का काम था, तो इसके लिए भी अगर लोग आगे नहीं आए और जगदीप जी आए तो उसमें ये सबसे आगे वैसे ही निकल जाते हैं, वैसे ही पहले। आपकी मंशा पूछना चाहूंगा ऐसे यूट्यूबर, लेकिन मैं यूट्यूबर हूं, आप भी हैं, तो क्या मंशा आपके पीछे? देखिए कोई भी नहीं है, जहां तक मैं आपके साथ गया था पिछली बार, कोई भी यूट्यूबर वहां नहीं दिखता, चाहे छोटे की बात क्यों ना आए, चलो भाई व्यूअर के लिए चले जाएंगे कुछ, आपको तो जरूरत नहीं है पर्सनली, क्यों जाते हैं फिर भी, कारण क्या? मैं ना मुख्यमंत्री साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हो रही थी, वहां पे 60-70 प्रेस वाले होंगे, किसी ने भी सवाल नहीं पूछा, फिर जब जाने लगे मुख्यमंत्री साहब तब मैंने सवाल पूछ लिया, यार मैं तो पूछ ही लूंगी सवाल, जब किसी ने ये सवाल ही नहीं पूछा, अभी हरियाणा पुलिस को लेकर आपका क्या कहना है, सीटी को लेकर आपका क्या कहना है, तो फिर मेरा पूछना जरूरी था, तो जहां पे कोई नहीं होगा ना तो मैं भी जरूर होगा, अगर वहां पे मेरे जैसे हजारों पत्रकार होते फिर मेरी जरूरत नहीं थी उन्होंने, आज उन्होंने मेरी जरूरत, हरे का सारा जगदीप हमारा ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। श्याम बाबा बिल्कुल सही बात है, पाप लगे आप भगवान है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए जो सही समय पे कार्य करते हुए भगवान है, जहाँ पे सारे पत्रकार पहुंच रहे वहां पे मेरी जरूरत ही नहीं है, जहाँ पे कोई नहीं पहुंच रहा वहां पे मेरी जरूरत है, ऐसा मैंने सोच लूंगा। ठीक है, तो आपने वीडियो देख लिया भाई, कोई भी कमेंट है, कोई भी आपका सुझाव है तो कमेंट में बताइएगा, आप सबका धन्यवाद, जय हिंद।